तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। जो मैं कम्युनिटी में हो गई एक सीरियस चीज जिस पर हमको काफी सारे मेंबर्स का एंग्री एंड सैड रिएक्शन देखने को मिला। आगे गाइस मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्या हो गया भाई कि हमको इतने सारे रिएक्शन देखने को मिले। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के एक काफी बड़े इवेंट के बारे में जहाँ पर हमको गेमर्स देखने को मिले लाइक मिथपैट, पायल गेमिंग, जोनाथन, मोर्टल, काश प्ले, ट्रिगर्ड इंसान एंड बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इवेंट में गाइस हमको मोर्टल, जोनाथन, पायल गेमिंग एंड काफी सारे गेमर्स एक साथ देखने को मिले। एंड ओवरऑल 5 मैचेस में से 3 मैच में टीम जोनाथन एंड टीम पायल की हमको फाइट भी देखने को मिली। एंड नॉट ओनली दैट, हमको पुराना एरा वापस आता हुआ दिखा जहाँ पर मोर्टल एंड जोनाथन की 1v1 फाइट भी हुई थी। उसकी भी गाइस यहाँ पर मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, देखिए। और ये वो बैटल है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो ओपनिंग नॉक वो कौन निकालते हैं। बैठा लेकिन बैन एडवांटेज के साथ आपको एंड गाइस साथ में हमको एक ऐसा भी मूवमेंट देखने को मिला था जहाँ पर पायल ने अलोन 1v3 कर दिया था, वो भी आप देखिए। तो यार गाइस अब ओवरऑल स्टैंडिंग भी देख लेते हैं। इसके चैंपियंस बने हैं दिल्ली एआई लेजेंड्स एके टीम जोनाथन, जिनकी तरफ से हमको नेक्स्ट लेवल गेम प्ले देखने को मिला। 5 मैचेस में वो ले लेते 87 पॉइंट्स। देन नंबर 2 पर रहे हैं बैंगलोर गैलेक्सी चैलेंजर्स एके टीम मिथपैट। एंड #3 पर रहे हैं अहमदाबाद एआई एवेंजर्स एके टीम ट्रिगर्ड इंसान। एंड गाइस अगर ओवरऑल फ्रैगर एमवीपी की बात करें तो वो बने हैं जोनाथन। 5 मैचेस में वो निकाल लेते 30 फिनिशेस और नंबर 2 पर जो है उनके हैं 13 फिनिशेस। एंड इसके बाद गए जब टीम जोनाथन को ट्रॉफी मिली तो वो सेम चीज किए जो हमारी टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में रोहित शर्मा किए थे, अब देखिए। और गाइस नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं सीरियस चीज के बारे में जिस पर हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले। तो गाइस बीजीएमआई का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट बीजीएमएस 2024 अब शुरू होने वाला है। तो उसके लिए चल रहे हैं अभी टीम्स के क्वालिफिकेशन मैचेस जिनमें से एक है टीवीएस रेडर विकेट बैटल रोड टू बीजीएमएस जहां से 3 टीम को स्लॉट मिलने वाला है। बट गाइस यहां पर क्या हो रहा था कि हमको काफी सारी ऐसे क्लिप्स देखने को मिल रही थी जिस पर काफी सस्पिशियस हो रहा था कि क्या ये चीटिंग का यूज कर रहे हैं। एक दो क्लिप पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको विक्स की शेयर किए आप देखिए। पहले मैंने लेफ्ट जा रहे थे पूरा ब्रो। चिकन डिनर की रेस के अंदर कुछ टीमें हैं खास करके कारपे डीएम है 49 से इतने दूर से शॉट कनेक्ट करके जो प्लेयर गिरा है काफी कमाल का शॉट था जी हाँ। M249 के साथ पॉसिबल होता नहीं है बट पॉसिबल क्या। एंड इसके बाद गाइस हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले। सवितार ये लिखे सब लोग एग लगा कर खेलो भाई, कुछ नहीं रखा है अब लेजिट खेल के बीच जमाए में। देन विनगोड ये लिखे ओपन क्वालिफायर्स में सिर्फ हैकर खेल रहे हैं, कल भी एक गेम खराब किया आज भी। एंड इसके बाद गाइस वो एक फोटो शेयर किया जहाँ पर प्लेयर्स ऑफलाइन जा रहे थे, इस पर वो ये लिखे फाइट के बीच में एकदम से ऑफलाइन जाना और ये अंडरडॉग्स के साथ में क्यों होता है। देन ये चीज को शेयर करते हुए शैडो ये लिखे प्योर स्किल्स कोई नहीं खेल सकता ऐसा। देन गाइस गमला बॉय अपोलो ये लिखे बीजीएमआई ई-स्पोर्ट इज गोइंग डाउन। एंड इसके बाद गाइस काफी लोग अभी गुस्से हैं कि प्लेयर्स अपना सब कुछ लगा देते हैं गेम के ऊपर बट स्टिल कुछ प्लेयर्स अभी भी हैक कर रहे हैं। एंड गाइस ये मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था वन ब्लेड करके जो एक टूर्नामेंट था वहां से बीजीएमएस के लिए एक स्लॉट मिलना था जो कि मिला था टीम फ्यूचर एक्स को, जिसके बाद उनके अगेंस्ट हमको काफी सारे प्लेयर्स की स्टोरीज देखने को मिली थी कि ये प्लेयर्स लेजेंड नहीं है, ओपन में आके दूसरी टीम्स को फिनिश कर दे रहे थे। एंड इसके बाद गाइस प्लेयर सरकार की तरफ से हमको एक और वीडियो देखने को मिले जिसको एसए ट्यूएल सिट एंड घातक भाई भी शेयर किए जहां पर सरकार काफी कुछ रिवील किए टीम फ्यूचर एक्स के बारे में, आप देखिए। डीप डाउन इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चलता है वो टीम पिछले प्रीवियस कुछ थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में अलग अलग इन गेम नेम अलग अलग टीम नेम से खेलती है एंड हर जगह टेलीग्राम और पीओवी की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। जितने भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स है हर जगह से ये डिस्क्वालीफाइड है टीम एंड सारे पेड स्क्रिम्स से ये टीम बैन है। सारे पेड स्क्रिम्स मैनेजर्स इनको अलाउ नहीं करते हैं, ये जब भी आते हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मेरी नॉर्डविन गेमिंग और क्राफ्ट इंडिया ईस्पोर्ट से एक रिक्वेस्ट है, अगर टीम लेजिट है तो प्लीज़ आप इन पर लुकआउट करो एंड चेक करो इनकी आईडीज़, इनके गवर्नमेंट आईडीज़ जो भी हैं और जितने भी ये प्लेयर्स हैं फ्यूचर एक्स गेमिंग के इनके कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, ना इंस्टा है ना यूट्यूब है ना कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। एक दिन हो गया है इवेंट को खत्म हुए बट इनकी कहीं पे भी ना हैंड कैम आई है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो के रिलेटेड। तो क्या अब नियो ई-स्पोर्ट में कमबैक करने वाले हैं? वेल ऐसा वो कुछ कहे अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम पर। बस हो चुका ये, मैं करूंगा अब कमबैक, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
पानी सर के ऊपर से निकल के पैर से बह रहा है। मैं करूंगा बट एज अ प्लेयर नहीं, मेरे को किसी के अंडर नहीं खेलना अभी, मुझे लोगों को अपने अंडर खिलाना है। और जो अभी ये BGMS चलेगा एक महीना, मैं बोला हूँ कुछ लोगों को मेरे लिए 3 अच्छे प्लेयर ढूंढ के देने, मैं उनके साथ ढूंढ के ये 1.5 महीना ग्राइंड करूंगा, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स खेलूंगा, फिर ऑफिशियल के लिए ट्राई करूंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है SA12 वीडियो एनसेट की तरफ से। तो गाइस 2 दिन पहले हमको SA12 चैनल पर एक वीडियो देखने को मिली थी SA12 रोल चेंजिंग पानी पूरी वाला, जिसको लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जोकर के वेली इसमें काफी बढ़िया रोल प्ले किए। तो गाइस ये वीडियो के ऊपर सरदार जी YD अपने चैनल पर रिएक्ट किए थे, जिसके बाद हमको सिड की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला जहां पर वो ये लिखे, प्लीज हमारे कंटेंट पर रिएक्ट मत करो एटलीस्ट 3 वीक तक उसके रिलीज होने के बाद में, एंड अगर आपको अपनी लाइव स्ट्रीम पर इस पर रिएक्ट करना है तो 3 वीक बाद आप हमारे क्रिएटर्स से परमिशन ले सकते हो, वरना स्ट्राइक्स आएंगे, ऑफिशियली बता रहा हूँ बस। एंड इसके बाद गाइस सरदार जी YD वो वीडियो को हटा दिए थे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है S-Power के डैड के रिलेटेड। तो गाइस उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली थी जहाँ पर वो ये लिखे थे कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं, एक जो क्रेडिट ले लेते हैं। तो ट्राई करो कि आप पहली कैटेगरी में रहो क्योंकि उसमें कम कॉम्पिटिशन है। बेसिकली ही सेम कि काफी लोग क्रेडिट लेने में इंटरेस्टेड होते हैं ना कि काम करने में। एंड ऑलरेडी गाइस S-Power के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी वो टीम सोल का पार्ट नहीं रहने वाले हैं, तो काफी लोग ये चीज को गाइस S-Power से कनेक्ट करने लगे, क्या उनके रिलेटेड वो ये लिखे। बट फिर ये चीज पर क्लैरिफिकेशन देते हुए S-Power के डैड ये लिखे, मेरी सारी स्टोरीज मेरी FB मेमोरी से रीपोस्टेड होती हैं। एंड नीचे वो एक 13 साल पहले के पोस्ट को शेयर किया जो कि वो फेसबुक पर किए थे 2011 में। एंड गाइस S-Power के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सिम की तरफ से। तो कल की वीडियो में गाइस मैंने आपको गॉड लाइक हैवान के व्लॉग से एक पार्ट दिखाया था, टिल्लू बदमाश। तो काफी लोग इसके बाद कंफ्यूज हो गए थे कि क्या टिल्लू बदमाश S-Power ही थे। तो फिर ये चीज पर रिएक्ट करते हुए सिंप आज ये कहे, टिल्लू बदमाश कौन था? पंक भाई, जो भी ट्रायआउट्स नाम से खेल रहे थे सब पंक भाई थे, अलग अलग आईडी से खेल रहे थे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गॉडलाइक के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है एडमिनो की तरफ से। तो गाइस वो बात की टीम गॉडलाइक के कोच एंड अब टीम गॉडलाइक कैसे खेल सकती है आप देखिए। हाँ, बैटल रॉयल के बताऊंगा, TDM के लिए कोच नहीं रखेंगे हम। तो एक कोच किया है हमने आया, तो अभी हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं अपनी चीजों पे, तो हम थोड़ा एग्रेशन की तरफ थोड़ा मूव बढ़ा रहे हैं, बाकी देखते हैं। बाकी आने वाले टूर्नामेंट्स पे BGMS, यस बिल्कुल, और समझ चुके थे हम, फ्लो फ्लो में कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जी हाँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्नैक्स गेमिंग के बारे में। तो कल की वीडियो में गाइस मैंने आपको इनका पूरा मैटर एक्सप्लेन किया था, बेसिकली यहाँ पर इनको अपनी एक वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी क्योंकि काफी लोग उसके बारे में हेट स्प्रेड कर रहे थे। तो आज ये चीज पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, वो वीडियो हटाना वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक भाई, अच्छा हुआ, एक लेसन मिल गया भाई, प्रैंक था, लोग प्रैंक को प्रैंक की तरह नहीं लिए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं, कुछ हटके अलग हाई क्वालिटी कंटेंट डाल रहा था, लोगों को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को जो पसंद आ रहा है मेरे चैनल पे मैं वही डालते रहूंगा, वही कंटिन्यू करूंगा। बात रही मेरे जोकर की, तुम लोग जितना भी कल मेरे कमेंट सेक्शन में RR किए हो, एंड स्नैक्स अनसब्सक्राइब करो, ये वो कैसा दोस्त है, ये वो RR पूरा हैवी, तो भाई देखो तुम्हारे कमेंट से मेरे उसके बीच में कोई दरार या मेरे उसके बीच में कोई बीटी नहीं होगी। मैं कैसा था, कैमरे पे हम लोग हमेशा जैसे रहते थे वैसे दिखा देते, वो चीज लोगों को पसंद आती, मैं उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डालूंगा भाई, मैं उतना नहीं करूंगा, मैं जो डालते आ रहा हूँ कंटेंट और जो मेरे को कंटेंट डालना वो मेरे को अच्छे से पता है। बात रहे तुम बोल रहे 5-10 लोगों के लिए, भाई 5-10 लोग नहीं थे मेरे, भाई मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर थे और उसके भी रेगुलर सब्सक्राइबर, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ डेली, मेरे को पता है कैसे कैसे नाम है लोगों के, तो भाई मैं जानता हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गॉड लाइक के प्लेयर चरणजोत के बारे में। तो गाइस वो क्वालिफाई कर गए हैं EAFC वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड इसी के साथ में वो बन गए हैं फर्स्ट इंडियन जो कि इसके लिए क्वालिफाई किए हैं, एंड राइट नाउ ही इज अमंग द टॉप 32 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो यहां गाइस मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम, एंड उनका विनिंग मोमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेगल्टोस की तरफ से। तो गाइस रेगल्टोस ई-स्पोर्ट में अपना कमबैक कर रहे हैं, बट इसके बाद वो करंट मेटा के रिलेटेड बात किए, अब देखिए। समझ नहीं आ रहा कौन सी गन यूज करें, AR यूज करते हैं तो मन करता है फिर शॉटगन कर लें, इससे अच्छा शॉटगन करते हैं तो लगता है कि चिपकने ली, तो AR यूज कर लेते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लच गॉड के बारे में। तो गाइस काफी टाइम बाद अब क्लच गॉड वापस से अपनी टीम को IGL कर रहे हैं, तो आज ये चीज पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, मस्त अभी टीम बनाई है मैंने, खेल रहे हम लोग एक साथ, जो एक चीज हम लोगों ने दिमाग में सोच के रखा है जैसा खेलेंगे वैसे ही खेलेंगे, अब भले वो 1-2 बारी मरे पर फिर भी उसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई बीच में कुछ खेल रहे फिर और कुछ खेल रहे फिर और कुछ, ऐसा नहीं करेंगे, एक ही चीज खेलेंगे, भले अगर समझ रहे हो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है।
और गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है मिथ पैट वर्सेस जोनाथन के रिलेटेड। तो वीडियो की शुरुआत में गाइस मैंने आपको सैमसंग इवेंट के बारे में बताया, जिससे पहले हमको मिथ पैट एंड जोनाथन की एक थोड़ी सी ट्रैश टॉक देखने को मिली। अब देखिए भाई आज मजा आने वाला है, एक नूब को हराने में बहुत मजा आने वाला है आज मेरे को। ऐसा वाट लगाने वाला ना एक नूब का, मैं आज डायरेक्ट हेडशॉट देने वाला। सुनो मिथ पैट ने बोला कि ये ट्रॉफी वो लेकर जाने वाला है। रूटर इन्विटेशनल सीरीज के बारे में, तो उसकी करंट ओवर स्टैंडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर वन पर है टीम गॉड लाइक, देन टीम सोल। नंबर थ्री पर है टीम कार्निवल गेमिंग, देन नंबर फाइव पर है टीम एंटिटी। अगर नेक्स्ट चार्ट की बात करें तो टीम एक्टर है हैशटैग 9 पर, देन टीम ओरैंगुटैन एंड बाकी टीम्स के ओवरऑल स्टैंडिंग भी आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोकर की हवेली की तरफ से। तो गाइस उनकी तरफ से आज हमको एक वीडियो देखने को मिली बाय द टाइटल आई बिकेम जेनी टू फुलफिल देयर विशेस। एंड ये वीडियो पे गाइस उनको काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, भाई यार बस करो, तुम्हारा मतलब मेरे को वीडियो से ज्यादा आपके कमेंट्स और आपकी जो स्टोरी पे आप सैड सैड सॉन्ग डाल रहे हो ना, वो ज्यादा मेरे को इमोशनल कर रहा है। बट मजा आया एंड आई होप काफी लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे। और मैं चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ देखो ये वाला वीडियो, अपने दोस्तों के साथ देखो। और ये जो आप लोग कुछ कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े उसमें बोले कि ये सब कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है, देखो भाई पहले बैगर वाला आया उसके बाद ये वाला आया। तो ये जो चीजें ना भाई अपनी जिंदगी में हो रखी है, अपनी देख रखी है, तब जाके ये सब चीजें बाहर आ रही है। और भाई मैं तो यार वीडियो बनाने निकला था, साला पिक्चर ही बना दिया ऐसा लग रहा है। तो ये रहा लिंक, इधर क्लिक करो एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा वीडियो पे, आई एम हैप्पी। बस आप अपने घर वालों के साथ देखो यार। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।